जी वालेकुम वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब टुडे वी आर गोइंग टू डू द ट्रांसलेशन ऑफ बुक वन लेसन नंबर फोर्टीन ओवरकोट बाय ग़ुलाम अब्बास जो कि उर्दू के राइटर भी हैं जी तो आज हम कर रहे हैं ओवरकोट लेट्स स्टार्ट द लेसन वन इवनिंग इन जनवरी जनवरी की एक शाम अ वेल ग्रूम्ड यंग मैन एक सजा धजा नौजवान रोड टू द मॉल डेविस रोड से चलता हुआ मॉल रोड की जानब आया टर्न टू चेरिंग क्रॉस और चेरिंग क्रॉस की जानब मुड़ गया हिज हेयर वो स्लीक उसके बाल uh, चमकदार थे uh, उसके बाल नरम थे एंड शाइनिंग और चमकदार थे एंड ही वो साइड बर्नस और उसकी लंबी कलमें थीं हिज थिन सीम टू हैव बीन ड्रॉन विद अ पेंसिल उसकी पतली मुझे ऐसा दिखाई देता था जैसे पेंसिल से बनाई गई होड पुटोन अवर कोट उसने एक भूरे रंग का ओवरकोट पहन रखा था विद अ क्रीम कलर्ड हाफ ओपन रोज हिज बटन होल जिसके काज में अधखिला मोती का मोती रंग का गुलाब अरसा हुआ था एंड अ ग्रीन फ्लैट हैट और एक सब्स फ्लैट हैट खूबसूरत सफेद silk का muffler, was at his neck. उसकी गर्दन पर बंधा हुआ था वन ऑफ हिस हैंड्स वो स्लिप्ड इन टू अ पॉकेट ऑफ इज ओवरकोट उसका एक हाथ उसकी ओवरकोट की जेब में था इन द अदर जबकि दूसरे में ही हेल्ड अ शॉर्ट पॉलिश केन उसने एक पॉलिश की हुई बैद की छड़ी पकड़ी हुई थी Which every now and then he twirled jauntly, जिसे कभी कभार वो मजे में आकर घुमाने लगता इट वॉज सैटरडे इवनिंग इन मिड विंटर ये सर्दियों के वस्त में हफ्ते की शाम थी द दशाप आईसी गंड हवा के तेज बर्फीले जकड़ स्ट्रक लाइक स्टील स्टील की मानित टकराते बट द यंग मैन सीम्ड टू बी इम्यून टू देम लेकिन नौजवान उनसे लापरवाह दिखाई देता था सो वाइल अदर्स वर वॉकिंग ब्रिस्कली टू कीप की लिहाजा जब दूसरे अपने आप को गर्म रखने के लिए तेजी से चल रहे थे ही वॉज एम्बलिंग अलॉन्ग ऑबियसली इंजॉय हिज प्रॉमिनेट इन द बिटर कोल्ड वो शदीद सर्दी में चहलकदमी करके अपनी आवारा गर्दी से लुत्फानदोज हो रहा था ही लुप्त सच अ डेंडी वो इतना शानदार दिखाई देता था द टोंगा ऑन कैचिंग साइट ऑफ हिम कि टांगे वाले उसे देखते ही इवन फ्राम अ डिस्टेंस एक फासले से ही वेप अप देयर हॉर्सेस अपने घोड़ों को चाबक मारते एंड रेस टूवर्ड्स हिम और उसकी जानब दौड़ाते विदे स्टिक अपनी छड़ी के इशारे से ही टर्न दम अवे वापस मोड़ देता अ टैक्सीम एक टैक्सी भी उसके नजदीक आई एंड द ड्राइवर लुकड एट हिम इनक्वायरिंगली ड्राइवर ने सवालिया अंदाज में उसकी जानब देखा ही टू वर्स टर्न ऑफ उसे भी वापस मोड़ दिया गया दिस टाइम विद अ नो थैंक यू इस दफा नहीं शुक्रिया कहकर एज द इवनिंग एडवास जब जैसे जैसे शाम बढ़ रही थी द कोल्ड बिकेम मोर इंटेंस सर्दी मज़ीद शदीद होती जा रही थी इट वॉज a कोल्ड ये ऐसी सर्दी थी डेट इंड्यूस्ड पीपल जिसने लोगों को माइल किया टू सी कम्फर्ट इन प्लेयर कि वो खुशी में सुकून तलाश करें एट सच टाइम्स ऐसे औक़ात में इट वॉज नॉट ओनली द profligate, न सिर्फ आवारा गर्द हु रहते बट इवन दोस्त बल्कि वो भी हुर usually कॉन्टेंट टू लिव विद यर loneliness. जो अमूमन अपनी तन्हाई में मुमैन रहते इमर्ज फ्राम देयर हाईड आउट्स अपने कोनों खुदरों से बाहर निकल आए टू जॉइन द गटी ऑफ द स्ट्रीट्स ताकि गली की चहल पहल में शामिल हो सकें एंड सो पीपल कन्वर्स ऑन द मॉल लिहाजा लोग मॉल रोड पर इकट्ठे हो गए वेयर दे दम सेल्फ अमंगी ऑफ होटल्स रेस्टोरेंट्स कैफेज एंड स्नैक बार्स जहाँ वो अपने आप को मुख्तलिफ होटलों रेस्टोरानों कैफे और स्नैक बार से लुत्फानदोज होने लगे लुत्फंदोज करने लगे ईच अकॉर्डिंग टू हिज मीन्स हर कोई अपनी जेब के मुताबिक दोज हु कुड़ नॉट अफोर्ड द इन साइड वो जो अंदर जाके महजूज़ नहीं हो सकते थे वर कॉन्टेंट टू गेज एट कलर्ड लाइट्स एंड ब्रिलियंट एडवर्टीजमेंट आउटसाइड वो रंगा रंग रोशनियों और शानदार इश्तहार को बाहर से देख कर ही खुश थे अप एंड डाउन द मेन रोड बड़ी सड़क के दोनों जानेब देर वॉज एन अन एंडिंग स्ट्रीम ऑफ कार्स ना ख़त्म होने वाली कारों बसेस बसों टोंगा टांगों एंड बाईसाइकल्स और साइकिलों की कतार थी वाइल द पेमेंट थ्रॉन्ग्ड विद पे डिस्टेंस जबकि फुटपाथ चलने पैदल चलने वालों से भरा पड़ा था द यंग मैन सीटेड ऑन द सीमेंट बेंच नौजवान सीमेंट के बेंच पर बैठा हुआ था वॉज वॉचिंग विद इंटरेस्ट द पीपल पासिंग ऑन द पेमेंट बिफोर हैम अपने सामने फुटपाथ पर चलते हुए लोगों को दिलचस्पी से देख रहा था मोस्ट ऑफ देम्स वर ऑफर कोट्स उनमें से ज्यादा तरने ओवरकोट पहने हुए थे वर अ विचवर ऑफ जो हर किस्म के थे फ्राम दस्टरा खान टू द रफ मिलिट्री खाकी अस्टरा खान से पुराने खाकी रंग के फौजी ओवरकोट सच एज आर फाउंड इन लार्ज बंडल्स एट द सेकेंड हैंड क्लॉथ शॉप जैसे पुराने कपड़े की दुकानों पर बड़े बंडलों की सूरत में मिलते हैं द ओवर कोट दंग मैन हिमसेल्फ़ वो ओवर कोट जो खुद नौजवान ने पहना था पुराना था बट इट वॉज वेल कट लेकिन इसकी कटाई अच्छी थी एंड द मटीरियल वॉज ऑफ गुड क्वालिटी और कपड़ा बहुत अच्छी खूबी का था द लेपल्स फर स्टिफ उसका गिरेबान अभी सख्त था एंड द स्लीव वेल क्रीज और उसकी बाजू की कटाई भी अच्छी थी द बटन फर ऑफ हॉर्न हाथी दान के बटन थे बिग एंड शाइनी बड़े और चमकदार देंग मैन सीम टू बी वेरी हैप्पी इन इट नौजवान इसमें बहुत खुश दिखाई दे रहा था अ बॉय सेलिंग पान एंड सिगरेट्स विद्रे ऑफ इज वर्स पास बाय एक लड़का जो पान और सिगरेट बेच रहा था अपनी सामान की ट्रे के साथ वहाँ से गुज़रा पान वाला पान वाले ये सर जी जनाब हैव यू चेंज फॉर अ टेन रुपी नोट क्या तुम्हारे पास दस रुपए की रेस गाड़ी है नो no, सर नहीं जनाब बट आई विल गेट इट फॉर यू लेकिन मैं आपको ला देता हूँ एंड वट इफ यू डोंट कम बैक और अगर तुम वापस ना आए तो इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी सर अगर आपको मुझ पर एतमाद नहीं जनाब यू कैन कम विद मी आप मेरे साथ आ सकते हैं एनी वे वट डू यू वॉन्ट टू बहरहाल आपको क्या खरीदना है नेवर माइंड बुरा मत मानो है आई हैव फाउंड वन आना मुझे एक आना मिल गया है नाउ गिव मी अ गुड सिगरेट एंड बी ऑफ विद यू अब मुझे अच्छा सा सिगरेट दो और यहाँ से चले जाओ ही स्मोक्ड जब वो कश लगा रहा था ही सीम टू रेलिश एवरी पफ वो हर कश के साथ लुफानंदोज होता दिखाई देता था रेलिश मतलब होता है इंजॉय करना अ स्मॉल लीन वाइट कैट एक छोटी दुबली सी सफेद बिल्ली लीन का मतलब होता है दुबला शिवरिंग विद कोल्ड जो कि सर्दी से कांप रही थी रब्ड अगेंस्ट हिज लेग्स उसकी टांगों से खुद को रगड़ने लगी एंड म्यूड और मियाओ करने लगी He it, उसने इसे थपकी दी एंड इट लेफ्ट ऑन टू द अप ऑन टू द बेंच और ये छलांग लगाकर बेंच के ऊपर आ गई स्मूदिंग इट्स पर उसकी खाल में हाथ फिरते हुए ही मटर्ड वो बुड़बुड़ाया पुअर लिटल माइट, बेचारी छोटी मखलूक आफ्टर अ फ्यू मिनट से गॉटअप कुछ मिनट के बाद वो उठ खड़ा हुआ बाय नाउ इट वॉज पास सेवन अब सात से कुछ ऊपर का वक्त था ही स्टार्टेड ऑफ अगेन अलॉन्ग द मॉल वो दोबारा मॉल रोड पर चल निकला एन ऑर्केस्ट्रा कुड बी हर्ड प्लेइंग इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स रेस्तरानों में से एक में ऑक्स्ट्रा के बजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी मैनी पीपल हैड कलेक्टेड आउटसाइड बहुत से लोग बाहर जमा थे मोस्टली पासर्स बाय ज़्यादातर राहगीर थे अ फ्यू ड्राइवर्स ऑफ द वेटिंग टैक्सीज एंड टांगज कुछ इंतज़ार करने वाली टैक्सी और टांगे के ड्राइवर थे लेबरर्स मज़दूर एंड बेगर और फ़कीर सम फ्रूट वेंडर्स कुछ फल फरोश हैविंग सोल्ड यर फ्रूट फल बेचने के बाद वर आल्सो स्टैंडिंग अराउंड विद द एम्पिटी बास्केट्स अपनी खाली टोकरियाँ लेकर उसके गिरद खड़े थे दीज पीपल आउटसाइड सीम टू बी इन्जॉइंग द म्यूजिक मोर दैन दो बाहर खड़े ये लोग अंदर बैठे लोगों की नस्बत मौसीकी से ज्यादा लुत्फंदोज होते दिखाई देते थे फॉर देवर लिसनिंग इन साइलेंस क्योंकि ये खामोशी में सुन रहे थे दो द म्यूजिक वज फॉरन अगरचे मौसीकी बैरून मुल्क की ही थी द यंग मैन ऑल्सो स्टूड एंड लिसन फॉर अ मोमेंट और सो नौजवान भी कुछ देर के लिए खड़ा हुआ और उसने सुना देन वॉक टॉन और फिर चल पड़ा अफ्यू मिनट्स लेटर कुछ मिनट बाद फाउंड हिम सेल्फ आउटसाइड अ लार्ज वेस्टर्न म्यूजिक शॉप उसने खुद को एक बड़ी मगरबी मौसीकी की दुकान के सामने पाया विदाउट he हैचकिचाहट के बगैर ही वो अंदर चला गया देयर वर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड अरेंज ऑन शेल्स अराउंड द वॉल वहाँ बहुत से मौसी के आला मुख्तलिफ अलमारियों में और दीवारों पर सजाए गए थेग टेबल एक लंबी मेज़ पर अट्रैक्टिवली डिस्प्लेड व लेटेस्ट हिट सॉन्ग नए हिट गाने पुरकशिश अंदाज में सजाए गए थे स्पेनिश गिटार वॉज हैंगिंग ऑन द वॉल एक हस्पानवी गिटार दीवार के साथ लटका हुआ था ही एग्जामी डेट विद दिस माहिर के अंदाज में इसका मुआयना किया एंड स्टडीड द प्राइस लेबल अटैच टू इट और इस पर लगी हुई कीमत को पढ़ा देन जर्मन पियानो डाइवर्टेड हिज अटेंशन फिर एक बड़े जर्मन पियानो ने उसकी तवज्जो अपनी जानब मबजूल कराई लिफ्टिंग द कवर ऑफ द कीबोर्ड का ढक्कन उठाकर ही प्लेड अ फ्यू नोट्स उसने चंद धुनें बजाई एंड क्लोज अगेन और इसे दोबारा बंद कर दिया वन ऑफ में से एक आया गुड इवनिंग सर शाम बखैर जनाब ही सर उसने कहा कैन आई हेल्प यू सर क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ नो थैंक यू नहीं शुक्रिया द यंग दंगमैन सेट एन एयर ऑफ इंडिफ्रेंस नौजवान ने लातालुकी के अंदाज में कहा देन सडनली एज इफ रिमेंबरिंग समथिंग ही कॉल्ड आउट फिर अचानक जैसे कुछ याद आया हो वो पुकार उठा ओ oh, यस yes, अरे हाँ कुड यू लेट मी हैव द लिस्ट ऑफ़ दिस मंथ ग्रामोफोन रिकॉर्ड क्या तुम मुझे इस महीने के ग्रामोफोन रिकॉर्ड की फहरिस्त दे सकते हो स्लिप द लिस्ट इंट वन ऑफ द पॉकेट ऑफ हज उसने उस फहरस्त को अपने ओवरकोट की एक जेब में डाला एंड रिज्यूम्ड हिज प्रामिनेड ऑन द मॉल और मॉल रोड पर अपनी आवारा गर्दी जारी रखी हिस्टॉप नेक्स्ट एट बुक स्टॉल अगली बार वो एक किताबों की दुकान पर रुका picked up वन और टू magazines. उसने एक या दो मैगजीन उठाए एंड आफ्टर अ हरेड ग्लांस और तेज नजर डालने के बाद एट द कॉन्टेंट्स इसकी फहरिस्त पर केयरफुली रिप्लेस जम एहतियात से उन्हें वापस रख दिया अ फ्यू यार्ड्स फर्दर ऑन चंद मीटर आगे आ लार्ज पर्शियन कॉर्पेट एक बड़ा ईरानी कालीन विच वॉज हैंगिंग आउटसाइडर शॉप जो एक दुकान के बाहर लटक रहा था अट्रैक्टेड हिज अटेंशन उसकी तवज्जो उसने अपनी जानब मबजूल कराई द ऑनर ऑफ़ द शॉप दुकान का मालिक वियरिंग अ लॉन्ग रोब जिसने एक लम्बा चोगा पहना हुआ था एंड अ सिल्क टर्बन और एक सिल्क की पगड़ी ग्रेटेड हिम वामली गर्म जोशी से उससे मिला आई दस्ट वॉन्ट टू सी दिस कारपेट में सिर्फ ये कालीन देखना चाहता था द यंग मैन सेट टू dealer. नौजवान ने कालीन बेचने वाले से कहा विद प्लेयर सर बखुशी जनाब ओ डोंट bother टू टेक इट डाउन इसे उतारने की जहमत मत करें आई कैन सी इट क्वाइट वेल एज इट इज मैं इसे यहीं अच्छे से देख सकता हूँ हाउ मच इज इट कितने का है फोर्टीन हंड्रेड एंड थर्टी टू रुपीज सर चौदह सौ बत्तीस रुपए जनाब द यंग मैन frowned. नौजवान ने तेवरी चढ़ाई suggest, जैसे कह रहा हो ओ सो मच अरे इतनी कीमत यू हैव ऑनली टू सेलेक्ट सर आपको सिर्फ इत करना है जनाब से कॉर्पेट डीलर कालीन बेचने वाले ने शायद अंदाज में कहा एंड वी विल रिड्यूस द मिनिमम हम कम से कम कीमत लगाएंगे थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया यंग मैन से नौजवान ने सराहते हुए कहा अफाइन कॉर्पेट इंडी दर हकीकत बहुत उमदा कलिन है आई विल कम अगेन समबारा किसी वक्त आऊंगा एंड ही वॉक अवे और वो चला गया द क्रीम कलर रोज मोती रंग का गुलाब विच अडॉन्ट जो उसकी ओवर कोट के काज में सजा हुआ था नजदीक था He adjusted it with a peculiar smile of satisfaction. उसने एक खास इतमान भरी मुस्कुराहट के साथ उसे दुरुस्त किया पेमेंट नियर द हाई कोर्ट अब वो हाई कोर्ट के नजदीक फुटपाथ पर चल रहा था लॉन्ग टाइम वो काफी

नौजवान जब चल रहा था ट्राइड टू स्पिन केन वन फिंगर. उसने एक उंगली पर अपनी बैत की छड़ी घुमाने की कोशिश की But in this attempt, लेकिन इस कोशिश में, ही उसने इसे गिरा दिया. सॉरी oh, अरे अफसोस हुआ. He exclaimed, वजाहत की किए बेंडिंग डाउन और झुकते हुए पिक अप इसे उठा लिया मीन वाइल उसी दौरान यंग कपल एक नौजवान जोड़ा बीन वॉकिंग बिहाइंड उसके पीछे चल रहा था पास बाई नजदीक से गुजरा एंड ऑफ हेम और उसके आगे चलने लगा दूथ फॉर स्टॉल लड़का लंबे कट का था एंड uh, रंग का मोटी कॉटन का ट्राउजर पहना था एंड अ लेदर जैकेट और चमड़े की जैकेट विद अर एक जिप लगी हुई थी द गर्ल वो ऑफ फ्लॉपी शलवार लड़की ने ढीली ढाली शलवार पहन रखी थी ऑफ वाइट साटन सफेद साटन की एंड अ ग्रीन कोट और सब्ज रंग का कोट

उस शाम जितने भी लोगों को देखा था बमुश्किल ही किसी में दिलचस्पी दिखाई थी ही मगन था क्लोजली uh, वो उनके नजदीक चलने लगा होपिंग टू कैच अ ग्लम्स ऑफ देयर फेसिस इस उम्मीद से कि उनके चेहरों की झलक पालेगा एंड टू हियर मोर ऑफ देयर टॉक और उनकी बातचीत सुन पाएगा बाय नाउ दे हैड रीच द बिग क्रॉस रोड नियर द जनरल पोस्ट ऑफिस अब वो जनरल पोस्ट ऑफिस के नजदीक चौक में पहुंच चुके थे द पेयर स्टॉप फॉर अ मोमेंट वो जोड़ा एक लम्हे को रुका देन आफ्टर क्रॉसिंग द मॉल मॉल रोड अबूर करने के बाद हेडेड टूवर्ड मैकलड रोड मैकलड रोड की जानव चल दिया वेन द कपल हैड वॉक सम हंड्रेड यार्ड्स अहेड ऑफ हिम जब वो जोड़ा उससे कोई सौ गज आगे निकल गया ही हरिडली मूव आफ्टर देम वो तेजी से उनके पीछे भागा हार्डली हैड ही रीच्ड हाफ वे अक्रॉस द रोड वह मुश्किल वो सड़क के दरमियान में ही पहुंचा होगा अ ट्रक फुल ऑफ ब्रिक्स केम फ्राम बिहाइंड जब ईंटों से भरा हुआ एक ट्रक पीछे से आया लाइक अ गस्ट ऑफ वेंड एक हवा के झोंके की मानड एंड क्रशिंग डाउन और उसे कुचलते हुए स्पीडेड ऑफ टूवर्स मैकलड रोड मैकलड रोड की जानेब चल दिया द ड्राइवर ऑफ द ट्रक हेड हर्ड अ श्रीक ट्रक ड्राइवर ने एक चीख सुनी थी एंड हेड एक्चुअली फॉर अ मोमेंट स्लो डाउन और एक लम्हे को रफ्तार सुस्त भी की थी बट रियलाइजिंग दैट लेकिन एहसास होते हुए दैट समथिंग सीरियस दट हैपन की कोई संजीदा मसला है डार्कनेस उसने तारीकी का फ़ायदा उठाया एंड हैड स्पेड अवे इन टू द नाइट और रात में निकल गया टू और थ्री पासर्स पाए दो या तीन राहगीर हुटनेस द एक्सीडेंट जो हादसे के एनी शाहिरद थे शॉर्टेड चिल्लाए स्टॉप हिम उसे रोको टेक द नंबर नंबर नोट करो बट द ट्रक वो मोर टू बी सीन लेकिन ट्रक कहीं भी नजर नहीं आ रहा था इन ए शॉर्ट वाइल थोड़ी देर में लार्ज क्राउड एक बड़ा जमा हो चुका था रोका दैन वॉज बैडली हर्ट नौजवान बुरी तरह जख्मी था देर वॉज अ लॉट ऑफ ब्लड अबाउट बहुत खून बिखर चुका था यह जया हो चुका था एंड ही वॉज इन असेट प्रिकारियस होते वो नाजुक सूरत हाल में था He was just alive, वो ही था ऑन ड्यूटी डिपार्टमेंट उस, उस रात हादसाती हादसाती डिपार्टमेंट में वर असिस्टेंट सर्जन खान एंड टू यंग नर्स शहनाज एन गिल ड्यूटी पर असिस्टेंट सर्जन खान और दो नौजवान नर्सें शहनाज और गिल थीं ही स्टिल वेयरिंग हिज ब्राउन ओवर कोट वो अभी भी अपने भूरे ओवरकोट में था एंड द सिल्क सिल्क और और सफ़ेद मफलर मफलर में uh, और मफलर में एंड रेशमी वर लार्ज ऑफ ब्लड ऑल ओवर हिज क्लॉथ्स उसके कपड़ों पर जाब जा खून के धब्बे थे समन हैड आउट ऑफ सेम्पथी किसी ने आजराहे हमदर्दी प्लेस यंग मैं ग्रीन फेल्ट हैट ऑन हिज हिस्स नौजवान का सब्स फेल्ट हैट उसकी छाती पर रख दिया था सो दैट इट शुड नॉट बी लॉस्ड ताकि ये कहीं खो ना जाए Seems quite well to do. अच्छे घर आने का दिखता है नर्स शहनाज से नर्स गिल, नर्स, ने नर्स गिल से कहा धीमी आवाज में जवाब दिया ऑल टॉक्डअप फॉर सैटरडे नाइट पुअर चैप बेचारा हफ्ते की शाम के लिए सज धज कर निकला था डिद कैसा ड्राइवर क्या उन्होंने ड्राइवर पकड़ा नो ही गॉट अवे नहीं वो भाग निकला वट आर पीटी अफसोस इन द ऑपरेटिंग थिएटर ऑपरेशन थिएटर में असिस्टेंट सर्जन एंड टू नर्सिसहाइंड अपने चेहरे मास्क के पीछे छुपाए व अटेंडेंट यंग मैन नौजवान के पास मौजूद थे ओनली देर आइज वर विजिबल सिर्फ उनकी आंखें दिखाई दे रही थी ही वॉज लाइंग ऑन वाइट मार्बल टेबल वो सफेद संगे मरमर की मेज पर लेटा हुआ था स्टिल स्मूथ उसके बाल अभी भी नर्म थे अगेंस्ट हिस्टेम्पल उसकी कलमों की नस्बत द स्ट्रॉग सेंटेड ऑयल तेज खुशबूदार तेल ही डेट इवनिंग जो उसने उस शाम अपने बालों में लगाया था स्टिल गेव आउट ऑफ फेंट अडोर अभी भी धीमी सी खुशबू दे रहा था हिस्स क्लॉथ नाउ बींग टेकन ऑफ अब उसके कपड़े उतारे जा रहे थे द फर्स्ट टू बी रिमूव वाइट सिल्क स्का्फ सबसे पहले जो चीज़ उतारी गई वह सफ़ेद सिल्क का मफलर था अ कॉलर uh, ना तो टाई थी और ना ही कॉलर नॉर इवन शर्ट यहाँ तक के कमीज भी नहीं वेन द ओवरकोट वॉज रिमूव जब ओवरकोट हटाया गया इट वॉज फाउंड ये मालूम पड़ा दैट द यंग मैन वॉज वियरिंग अंडर old कॉटन स्वीटर के नौजवान ने नी नीचे एक कॉटन का स्वीटर पहना हुआ था विच वॉज ऑल इन होल्स जिसमें जा सुराख थे थ्रू दीज होल्स इन सुराखों से वन कूड सी द डर्टी गुनिया जा सकती थी द स्वीटर जो स्वीटर से भी बुरी हालत में थी लेयर्स ऑफ डर्ट कवर्ड हिस्स बॉडी मट्टी की तहों ने उसके जिसम को ढांप रखा था ही कुड नॉट हैव हैड अ बाथ फॉर एटलीस्ट टू मंथस वो तकरीबन पिछले दो महीने से नहीं नहा पाया था ओनली द अपर पार्ट ऑफ हिस्स नेक वॉज क्लीन एंड वेल पाउडर्ड सिर्फ उसकी गर्दन का ऊपर का हिस्सा साफ सुथरा और पाउडर लगा हुआ था द शूज इन दॉक्स नाउ केम ऑफ अब जूतों और जुराबों की बारी थी द शूज़ पर ओल्ड जूते पुराने थे बट ब्राइटली पॉलिश लेकिन अच्छे से चमकाए गए थे एज टू दॉक्स जहाँ तक जुराबों का ताल्लुक था इन कलर एंड पैटर्न रंग और डिज़ाइन में द वन वॉज क्वाइट डिफरेंट फ्राम द अदर एक दूसरी से मुकम्मल तौर पर मुख्तल थी देयर वर होल्स एट द हील्स उनकी एड़ियों पर सुराख थे एंड वेयर द फ्लैश शोट जहां से जल्द नजर आ रही थी थ्रू दीज होल थ्रू द होल्स उन सराखों में से इट वॉज ग्रट ये मट्टी से अटी हुई थी फुल ऑफ भरा होना अटा होना वॉज बाइन आउट डेड अब वो मर चुका था एंड हिज लाइफलेस बॉडी ले ऑन द वाइट मार्बल स्लैब उसका बेजान जिसम सफेद संग मरमर की स्लैब पर पड़ा हुआ था द फॉलिंग वर्ड द फ्यू थिंग्स मौजूदा वो चंद चीज़ें थी विच वेरियस पॉकेट्स ऑफ इज ओवर कोट जो उसकी ओवरकोट की मुख्तलिफ जेबों में मिली थी अ स्मॉल ब्लैक कॉम एक छोटी स्याकंघी अंकर चीफ एक रुमाल सिक्स आनाज एंड अ फ्यू पाइज छः आने और कुछ पाइया अ हाफ स्मोक्ड सिगरेट एक अद जला सिगरेट अ लिटिल डायरी एक छोटी ब्याज इसको आप डायरी भी ट्रांसलेट कर सकते हैं इन विच द नेम्स एंड एड्रेस वर नोटेड जिसमें कुछ लोगों के नाम और पते लिखे गए थे अ लिस्ट ऑफ ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, ग्रामोफोन रिकॉर्ड की एक फ़हरस्त एंड अ फ्यू हैंड बिल्स और कुछ इश्तिहारिस्ट्रीब्यूटर्स हेड थर्सिंग हिस्सिंग प्रोिनेट जो कि बांटने वालों ने उसकी शाम की आवारा गर्दी के दौरान उसके हाथों में थमा दिए थे अलास हिज लिटल केन अफसोस उसकी छोटी बैत की छड़ी विच वॉज पर लॉस्ट एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट जो शायद हादसे के वक्त कहीं खो गई थी वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट वो इस फहरिस्त में शामिल नहीं थी प्रीवियस चैप्टर गॉड बी प्रेस्ड की वीडियो का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है फॉर मोर वीडियोस लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल थैंक यू सो मच फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज